अर्शिदी, अर्शिदी, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? सीरियसली, तुम मुझे पूछ रहे हो? सबका चेहरा देख के पता नहीं चला? अर्शिदी दीदी, आपकी वजह से तो मैं स्टेज तक पहुंच पाई हूँ। आपको अच्छा लग गया ना? बस उतना ही चाहिए था मुझे। सबको पसंद आया जनक। अब जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं इन्फेक्शन हो जाए पैर में। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। वो डांस करते वक्त पैर पे प्रेशर पड़ता है ना, इसलिए। आई नो, मैं भी डांसर हूँ, याद है ना तुम्हें? सॉरी अर्शिदी, वो कहने का मतलब नहीं था मेरा। पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। इट्स ओके, होता है। ये चोट ठीक हो जाएगी, मैं दवाई लगा लूंगी जाकर। लेकिन आपको दिल से थैंक यू। यू वेलकम। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा थैंक यू कहाँ है? हाँ, आई मीन आइडिया अर्शी का था, लेकिन मेहनत पूरी मैंने की। हाँ, हट मांगुन। अरे, मेहनत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज होती है आइडिया निकालना, जो कि अर्शी दीदी ने किया। तो सारे थैंक यू अर्शी दीदी के लिए। ठीक है, रिलैक्स। अब जाओ पट्टी कर लो, देखो अभी भी खून निकल रहा है। पट्टी नहीं, पिटाई होगी। माँ इंतजार कर रही थी, तब तो माँ को पता भी चल गया होगा, न्यूज मिल गई होगी ना। कुछ नहीं कहेंगी, हम बात कर लेंगे उनसे, है ना? आप जाओ चनक, तुम आराम करो। जी, बाय, थैंक यू। मुझे लगता है कि जनक को नेक्स्ट कल्चरल मीट में बुलाना चाहिए, पूरा स्टाफ पागल हो जाएगा। लिसन, कल्चरल मीट का इनवाइट मुझे आया है। हाँ अर्शी, नो, बट जरूरी थोड़ी है कि सब तुम ही परफॉर्म करो, जनक भी तो। नो, आई मीन, मेरा मतलब ये लाइन क्रॉस करना होगा। देखो, ये एक लोकल फेस्टिवल है, कश्मीर में हो रहा है। तुम कहाँ जनक को दूसरे शहर बुलाने की सोच रहे हो? देखो, इससे घर में इश्यूज हो जाएंगे, और ये फालतू आइडिया ना अपने दिमाग से निकाल दो। अर्शी, घर में अभी इश्यूज नहीं होंगे क्या? और तुम्हें क्या लगता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने जनक को यहाँ बुलाने में तुम्हारी मदद की है? उससे मैं डील कर लूंगी, लेकिन ये हाथ पकड़ के जनक को दुनिया दिखाना, उसका फ्यूचर सेट करना, ये हमारा काम नहीं है अनिरुद्ध। हमने एक छोटी सी हेल्प कर दी, बस बहुत है। आगे जनक की खुद की किस्मत, बस हमारा काम यहाँ खत्म।